स्किन केयर सीरीज़ में ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है सन प्रोटेक्टर मॉइस्चराइज़र। इसमें दोनों ही डुअल खूबियाँ हैं। पहली बात तो ये मॉइस्चराइज़र है और दूसरी चीज़ कि ये एक सन प्रोटेक्शन की तरह भी काम करता है। ये बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा फार्मूला है जिसमें 30 SPF UAE सनस्क्रीन है ये। और क्योंकि सभी स्किन टाइप्स के लिए तो हम सभी यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसका जो प्राइस है वो 199 रुपीज़ है। एंड ये कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तो है नहीं, ये एक थेरापेटिक प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा है। आप एक बार यूज़ करके देखिए, विंटर्स में आपको ऐसा लगेगा कि यार इससे अच्छा मॉइस्चराइज़र तो कोई है ही नहीं। मैंने काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड्स के मॉइस्चराइज़र्स यूज़ किए हैं बट विंटर्स के लिए मुझे सबसे बेस्ट जो लगता है वो बायोटिक ही लगता है। और आप लोग बताइए आपको सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र कौन सा लगता है। 120 ml इसकी क्वांटिटी है। एंड इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेस वॉश करेंगे, फिर उसके बाद हम टोनर लगाएंगे, टोनर लगाने के बाद सीरम यूज़ करेंगे। और सीरम लगाने के बाद जैसे ही हमें लगता है कि यार हमारे पास मॉइस्चराइज़र तो है नहीं, या किसी को लगता है लाइक हमारे पास सन प्रोटेक्शन भी नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास ये बायोटिक का नेक्टर सन प्रोटेक्शन मॉइस्चराइज़र है तो उसको तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास ये दोनों ही चीज़ें एक साथ दे रखी हैं। तो ये जो है फेस और नेक दोनों पे हम लगा सकते हैं जहाँ पे भी सन एक्सपोज़र हो, और मेकअप वगैरह जब लगाते हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं इसे। काफ़ी अच्छा है और एकदम फ्लॉलेस ब्यूटी वाला, जो ब्लेमिशेस हटा देता है, स्किन को जो है काफ़ी ब्राइट कर देता है। एंड टर्मरिक और अश्वगंधा का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें नीम, लीव, जिंजर वगैरह इन सभी चीज़ों को मिलाकर ये बना हुआ है। और जैसे कि हम जानते हैं 21st century है, हमें हर तरह से अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है हर तरह की चीज़ों से। तो काफ़ी अच्छा एक आयुर्वेदिक सोर्स है जो हम अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए आपको कौन सा अच्छा लगता है। मुझे तो बायोटिक का सन प्रोटेक्शन मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बताइए आपको, आपने कौन सा आज तक यूज़ किया और आपको कौन सा अच्छा लगा है।